हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, अविनाश हेयर। और आज के वीडियो में आपको मैं लेके जाने वाला हूँ एक नए कंट्री में। इस बार वाला ट्रिप बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि मैं इस बार 5 कंट्रीज विजिट करने वाला हूँ। मेरी फ्लाइट बेंगलोर से कुआलालंपुर की है जो कि एक डायरेक्ट फ्लाइट है और उसके लिए मैंने अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज पे किया है विद सम डिस्काउंट। आज के वीडियो में मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं बेंगलोर एयरपोर्ट का दिखाते रहता हूँ और कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है इमिग्रेशन और जो भी वीज़ा प्रोसेस होता है दूसरे कंट्रीज में। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको बेंगलोर एयरपोर्ट का थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखाऊंगा। अगर कुछ नया मुझे पता चलता है तो ही आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं डायरेक्टली आपको मलेशिया में मिलूंगा जहां पे मैं आपको पूरा वीजा का प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे देना पड़ा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मलेशिया ट्रूली एशिया व्लॉग्स फ्रॉम टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है अबाउट मलेशिया वीजा या कुछ भी लाइक करेंसी कन्वर्जन, सो वो सब मैं भी दिखाऊंगा कि ATM से कैसे करेंसी निकालना है और वगैरह वगैरह। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए वीडियो में। सो यार फ्रेंड्स, चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ गेट नंबर 37 पे। इस बार मैंने ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं बेंगलोर एयरपोर्ट के बारे में बिकॉज आई हैव सोन दैट टू यू गाइज लाइक मैनी टाइम्स और शायद आप लोग भी बोर हो चुके होंगे जो भी इंटरनेशनल डिपार्चर का गेट्स और वगैरह वगैरह होता है। सो इसके बाद डायरेक्ट वीडियो मलेशिया में होगा अबाउट दी होल इमिग्रेशन थिंग, जहाँ पे वीज़ा और एवरीथिंग वेरीफाई होने के बाद सिम कार्ड और कैसे मैं ATM से पैसे वगैरह जो भी निकालूंगा वो सब चेक करके आपको बताऊंगा। सो या अभी 40 से 50 मिनट बचे हुए हैं मेरे फ्लाइट के बोर्डिंग के लिए, उसके बाद देखते क्या होता है। अराउंड 4 to 5 hours लगेंगे मलेशिया पहुँचते में हमें। और इस बार मैं हॉस्टल्स में रहने वाला हूँ तो मैंने एक हॉस्टल बुक किया है एट बुकिट बिंटैंग। सो लेट्स सी, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो चलिए बोर्डिंग गेट्स की ओर बढ़ते हैं और मलेशिया में एंटर करते हैं कुछ ही घंटों में। वेलकम टू कुआलालंपुर पब्लिक। कुआलालंपुर इमिग्रेशन में मेरा स्वागत हो चुका है। और हाँ, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन वगैरह उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, लाइक जस्ट कितने दिन के लिए आप हो और रिटर्न टिकट मैंने जस्ट दिखाया। ऑनलाइन लिखा हुआ था कि आपको सब कुछ बताना होगा बट मुझसे यहाँ पे कुछ भी पूछा नहीं गया। बस उन्होंने मेरा पासपोर्ट और ई वीज़ा चेक किया जो कि मैंने दिखाया ही था आपको इस वीडियो के स्टार्ट में कि कैसे अप्लाई करना होता है, और जस्ट 10 से 15 मिनट में आपको वीज़ा मिल जाता है। सो यहाँ से अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, उसके बाद मैं सिम कार्ड और यहाँ से बुकित बिनांग जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लेस है फॉर बैकपैकर्स, वहाँ जाने का तरीका देखता हूँ। यहाँ पे सिम कार्ड और ATM विड्रॉल कैसे होता है उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा कि कितने चार्जेस लगे फॉर ATM विड्रॉल एंड सिम कार्ड। उसके बाद बुकित बिनांग की तरफ हम लोग कैसे जाएंगे वो मैं चेक करता हूँ बिकॉज मैंने ऑनलाइन चेक किया तो हमें KL सेंट्रल की ओर जाना होगा, उसके बाद और एक बस या MRT जो कि यहाँ की मेट्रो है वो पकड़ के हमें आगे जाना होगा। सो लेट्स सी हाउ द डे गोस। मैंने सिम कार्ड ले ली है, सो मैंने हॉटलिंक का सिम कार्ड ले लिया फॉर अबाउट 25 ringgit जो कि अराउंड 420 इंडियन रुपीज़ के आसपास पड़ता है। 25 ringgit में आपको हॉटलिंक का सिम मिल जाएगा जिसमें आपको 1.5 GB डेटा और थोड़ा बहुत कॉलिंग टाइम मिलता है। आई डोंट नो एनी लोकल सो आई वोंट बी कॉलिंग एनीवेयर, इसलिए मैंने वही ले लिया। और अगर आप 36 ringgit देते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे ही सिम मिल जाएगा जो कि अराउंड 8 GB डेटा देता है और अनलिमिटेड व्हाट्सएप या वीचैट कॉलिंग और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आप व्हाट्सएप या कुछ और कॉल करते हैं तो आपको फ्री डेटा होता है और वो 8 GB में काउंट नहीं होता। तो अभी मैं ATM से रिंगेट निकालने का ट्राई कर रहा हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे कितना चार्जेस लगता है। आई एम ट्राइंग टू टेक आउट लाइक 600 मलेशियन रिंगेट और वो अराउंड 10,000 रुपीज़ पड़ेगा इंडिया में, एज एक रिंगेट अराउंड 15 रुपीज़ कुछ पड़ता है। सो लेट्स सी, ATM विड्रॉल करने के बाद फिर मैं डायरेक्टली बसेस ढूंढने निकलूँगा जो कि डायरेक्ट KL सेंट्रल या बुकित बिंटांग लेके जाएगी। मैंने यहाँ पे HSBC ATM जो कि एयरपोर्ट पे ही था वहाँ से मैंने IDFC कार्ड से विड्रॉल किया और अराउंड
300 रिंगगेट विच इज़ अबाउट 5000 इंडियन रुपीज़, और मुझे चार्जेस देने पड़े अराउंड 134 रुपीज़, जो कि बहुत ही सही है बिकॉज मैंने बाहर विड्रॉल किया था, लाइक बैंकॉक और वियतनाम में, तो मुझे 300 से 400 विड्रॉल फीस देना पड़ता था। अगर आप एयरपोर्ट पे ही विड्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ HSBC का ATM जो है एग्जिट पे, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, और हाँ 134 इज़ अ गुड ट्रांजेक्शन फ़ी। इतना इससे ज़्यादा तो आप अगर एक्सचेंज करके लाते रुपीज़ इंडिया में तो आपको देना पड़ता। सो चलिए अभी बाहर चलते हैं और बसेस ढूंढते हैं जो कि KL सेंट्रल की ओर जाएगी। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लाइक आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो, और अगर आपको भूख लगी हो तो बहुत सारे फूड स्टॉल्स है यहाँ पे। और मुझे नींद तो नहीं आ रही, बट लेट्स सी, हॉस्टल पहुँच के मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा, उसके बाद शायद मैं बाटू केव्स की ओर निकलूँगा आज। तो अगला जो वीडियो होगा वो बाटू केव्स और पेट्रोनास टावर के बारे में होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ बस टर्मिनल की ओर। बस टर्मिनल बस एयरपोर्ट के नीचे ही है जहाँ से आप बसेस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना चार्जेस लगता है KL सेंट्रल या बुकिट बिंटांग जाने के लिए। सो यार गाइस, आप काउंटर से आके बस की टिकट ले सकते हैं जो कि 12 रिंगगेट की पड़ती है। यहाँ से मैं जाऊँगा KL सेंट्रल की ओर, और उसके बाद देखते हैं कि हम बुकिट बिंटांग कैसे पहुँचेंगे। 12 रिंगगेट अराउंड 160 या 170 रुपीज़ के आसपास होगा, और अगर आप टैक्सी लेते हैं तो आपको 1200 तक देना पड़ता है। जैसे कि मैंने चेक किया था ग्रैब शेयर में भी आपको 1200 तक देना पड़ता है बुकिट बिंटांग जाने के लिए, जो कि अबाउट 58 किलोमीटर्स है फ्रॉम हेयर। सो चलिए अब बस में बैठते हैं और आपको मैं शेयर कराता हूँ कुआलालंपुर की। एयरपोर्ट से उसने हमें 1 hour 20 minutes में ड्रॉप कर दिया। बहुत ही बेहतरीन रोड्स है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें 50 किलोमीटर्स कवर करने में। यहाँ से मुझे मोनोरेल पकड़नी है, KL सेंट्रल स्टेशन पे मैं आ चुका हूँ। सो आप जहाँ पे वो बस आपको ड्रॉप करेगी वहाँ से आपको एक लिफ्ट लेके ऊपर आना है, और वहाँ पे मोनोरेल पकड़ के आप बुकिट बिंटांग की ओर जा सकते हैं। सो इससे पहले मैंने आपको मैप दिखाया था जो कि पूरे ट्रांजिट मैप है। कुआलालंपुर में आप कहीं भी जा सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स यूज़ करके। अभी हम जाएंगे बुकिट बिंटांग की ओर, जो कि 3 kilometers है KL सेंट्रल। टिकट लेने के लिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ रिपीट KL का। पहले आप लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए इंग्लिश, और यहाँ से आपको मोनोरेल चूज़ करनी है, एंड एयर एशिया बुकिट बिंटांग, एंड 2.50 रिंगेट आपको डालना होगा। सो कैश टोकन, और ये रहे कॉइन्स। ये था प्रोसेस, ये दिल्ली मेट्रो जैसे आपको टोकन मिल गई है, उसके बाद चलते हैं हम बुकिट बिंटांग की ओर। चुका हूँ मैं एयर एशिया बुकिट बिंटांग स्टेशन पे। तो यहाँ से कंफर्ट कैबिन जो मेरा हॉस्टल है वो बस 60 मीटर्स में है। सो मैंने ग्रैब चेक किया था, अगर मैं टैक्सी लेता फ्रॉम एयरपोर्ट तो मुझे 70 to 80 रिंगेट देने पड़ते, और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ इन 14.50 रिंगेट में, जो कि लाइक ऑलमोस्ट 25% रेट में आ गया मैं। चेकआउट कुआलालंपुर, द स्ट्रीट्स ऑफ कुआलालंपुर आउट हियर, और चलिए चलते हैं हमारे हॉस्टल की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स और बहुत ही बेहतरीन रोड्स है। सो लेट्स सी हॉस्टल कैसे पहुँचते हैं यहाँ से हम। मुझे हॉस्टल में तो एंट्री नहीं मिली क्योंकि चेक इन टाइम अराउंड 3 PM है। मैंने उनसे मेल किया था कि अगर रूम्स अवेलेबल हो तो मुझे अर्ली चेक इन दे दे, थोड़ा बहुत चार्ज कर दे, बट रूम्स वर नॉट अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू चेक इन। मैंने अपना मेन लगेज बैग वहाँ ही छोड़ दिया, और अपना डे पैक लेके मैं अभी जा रहा हूँ बाटू केव्स की ओर। सो ये वीडियो यहीं तक ही, इसमें आपको मैंने दिखाया कि कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है, और इमिग्रेशन, सिम कार्ड
और जो भी डिटेल्स है और कैसे बुकिंग बिंटांग आप पहुंचेंगे मेट्रो रेल लेके। ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीक का। और हाँ, उस वीडियो में मैं आपको बाटू केव्स और पेट्रोनस टावर की शेयर कराऊंगा जो कि मैं अभी जा रहा हूँ डायरेक्टली फ्रॉम हियर। सो या, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।